والله ما طلعت شمس ولا غربت. हदीस मुबारका में आता है कि जब मलकुल मौत आते हैं तो उनके साथ बहुत सारे और भी फरिश्ते होते हैं और वो आकर इस बंदे को याद दिलाते हैं कि मैं आ गया हूं आपकी रूह को कब्ज करने के लिए, और दूसरा शैतान को मार के उससे दूर भगा देते हैं ताकि शैतान उनके ईमान में खलल न डाल सके। अब बताएं ये कितनी मजे की बात है कि इज़राइल अलैहिस्सलाम ही शैतान को दूर भगा दें। अब जब शैतान दूर भाग जाता है तो फिर मोमिन जो है उसको बता दिया जाता है कि तेरा मौत का वक्त करीब है। फिर मलकुल मौत के पास एक रेशम का कपड़ा होता है जिसमें जन्नत की खुशबू होती है, वो उस खुशबू को उसके सीने पर रख देते हैं। जैसे दुनिया में ऑपरेशन कर रहा हो ना किसी बंदे का तो उसको एनेस्थीजिया देते हैं, एनेस्थीजिया मिलने के बाद बंदे का हाथ कट जाए, जोड़ कट जाए, जो मर्जी हो जाए, उसको पता नहीं चलता तकलीफ का। तो अल्लाह ताला दुनिया का एनेस्थीजिया, आखिरत का एनेस्थीजिया भेजते हैं और मोमिन उसकी खुशबू में महक रहा होता है और इसी तरह उसकी रूह कब्ज होती है, पता ही नहीं चलता उसको। और जो बुरा आदमी होता है उसके बारे में हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजते हैं और वो फरिश्ते मारने वाली चीजें लेके आते हैं, हंटर जैसे होता है, वो उस बंदे के एक एक जोड़ की पिटाई करते हैं और कहते हैं तू कितना बुरा आदमी था, अल्लाह के हुक्म को तो तोड़ता रहा, अब देख तेरी कैसे गत बनाते हैं। तो नेक लोगों की मौत और होती है और बुरे आदमी की मौत कुछ और होती है। इसलिए दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए और हमें नेक लोगों की मौत अता फरमाए। मौत के वक्त ईमान सलामत रहे।